दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्राइव में रिकॉर्डिंग फाइल या ऑडियो फाइल को कैसे यानी कि ऑडियो को आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्राइव में रिकॉर्डिंग फाइल या ऑडियो कैसे अपलोड करें, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। जान लीजिए दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आप अपने गूगल ड्राइव में किस तरीके से रिकॉर्डिंग या ऑडियो या MP3 सॉन्ग को कैसे सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए, जब चाहे जिस समय चाहे आप सुन सकते हो अपना अकाउंट को खोल के। तो दोस्तों सिंपल से क्या क्या करना होगा इस वीडियो में अच्छे से आपको समझना है। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर लेना होगा, वैसे तो आपके फ़ोन में ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे कुछ अलाव वगैरह करने की मांगेगा, इस तरीके से कर देना आपको। जैसे ही आप सब कुछ कर दोगे अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना होगा जिससे हमारी कोई भी रिकॉर्डिंग है वो जल्दी से हमें मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है फोल्डर पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना होगा किसी भी नाम से। ठीक है, इस तरीके से मैंने हम बना लिया ऑफिशियल बिमलेश नाम से। इस तरीके से इस फोल्डर में अभी तो कुछ नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस फोल्डर में आपको ऑडियो को कैसे अपलोड करना है इस तरीके से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल बीच में, अपलोड के ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक करने ऊपर ऑप्शन में आ जाएंगे इमेज के और ऑडियो के वीडियो के। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ऑडियो को, तो ऑडियो हमने सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने हटा दी है, तो यहाँ पे ऑडियो पे हमने क्लिक किया तो ये ऑडियो आपकी इस तरीके से शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई एक कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक शो हो रहा है इवेंट का। ठीक है, इस तरीके से ये ऑडियो है, ऑडियो पर इस तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा ये पहुँच गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर आपको इस तरीके से टैप कर देना होगा, यहाँ पर टैप करने के बाद ये थोड़ी देर में आपके इसमें गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से एक बार स्क्रॉल करके नीचे दिखा देते हैं, जैसा कि दोस्तों ये देखो अपलोड होने लगा है, तो ये कुछ ही समय अपलोड हो जाएगा, तो तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं, आपको दिखा ही देते हैं कन्फर्मली पूरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनली यहाँ पे अपलोड हो चुका है ऑडियो, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से आपको सुनवा देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा, आपको इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से आप ऑडियो या रिकॉर्डिंग को इस तरीके से गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, वो भी हमेशा के लिए। दोस्तों जब भी आप अपनी जीमेल को लॉगिन करोगे वहाँ पर इस तरीके से आपको आपकी ऑडियो या कुछ भी आपने जो भी फाइल यहाँ पर आपने अपलोड की है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके, कोई प्रॉब्लम आ रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक नई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।